ये देखिए कोई भी पहलवान भाव नहीं करेगा भाई, उंगली पंजा कोई पहलवान नहीं छोड़ेगा। और कुश्ती के बाद मैं भी चैलेंज की कुश्ती हो गई, जिस पहलवान ने पूरे संकट पर चैलेंज किया उस पहलवान बागेश्वर में भी दंगल स्टार्ट हो चुका है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। और सुबह के बज रहे हैं 11। एक्चुअली मैं आज वैसे ही लेट में उठा, पापा ने उठाया 9:30 बजे। फिर आज धूप अच्छी थी तो मैंने सोचा आज नहा लिया जाए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। नहाया और उसके बाद अपने कपड़े वगैरह भी बहुत दिन के हो रहे थे वो वॉश किए, तो जल्दी सूख जाएंगे ना, ठंड के दिनों में कपड़े सूखते नहीं है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो अभी तो धूप अच्छी आई है तो सूख जाएंगे कपड़े। और उसके बाद मेरे को मेरे दोस्त ने बताया था कि कोविशील्ड का बूस्टर डोज लगाना था मेरे को, तो वो आ चुका है। तो मैं गया था कोविशील्ड का बूस्टर डोज लगाने, स्टेशन रोड में है, स्टेशन बस स्टॉप के 50 मीटर पीछे है और LIC के 50 मीटर आगे है। तो आप किसी से भी पूछेगा वहाँ पे कि बूस्टर डोज कहाँ लग रही है तो वो बता देंगे स्टेशन रोड में, और बड़ा सा गेट है। आप अगर जिसने भी बूस्टर डोज नहीं लगाई है कोविशील्ड या कोवैक्सीन की, प्लीज़ लगा लीजिएगा, क्योंकि कोरोना का कुछ पता है नहीं कि कब कभी भी हो जाए या कभी भी दोबारा से इनक्रीज़ हो जाए। तो अपना सेफ्टी अपने हाथ में है भाई। सेफ्टी फर्स्ट। तो मैं सब लोगों को यही बोल रहा हूँ कि बूस्टर डोज जितने भी जल्दी हो सके सब लगवा लेना। और मैं तो बोल रहा हूँ आज ही लगवा लेना, क्योंकि 1 महीना हो गया था, बूस्टर डोज ख़त्म हो गई थी वहाँ पे। मैं 1 महीने पहले गया था लेकिन अब जाके मिली मेरे को, परसों आई, कल आई थी बूस्टर डोज वहाँ, तो अब जाके मिली मुझे वहाँ पे बूस्टर डोज। तो आप सभी लोगों से भी जिसने भी बूस्टर डोज नहीं लगवाई है तो प्लीज़ लगवा लीजिएगा, क्योंकि आगे किसने देगा, कुछ भी हो सकता, अपनी सेफ्टी सेफ्टी फर्स्ट यार। तो फिर वो बोली थी थोड़ा बुखार वगैरह आएगा, तो देखते हैं आता है नहीं आता है। बाकी आज मेरी मम्मी बना रही है, क्या बना रही मम्मी? हाय, पालक की सब्जी बना रही थी क्या, और भटकी चुटकानी बना रखी है, काली भटकी, और मेरे को बहुत अच्छी लगती है भटकी चुटकानी। ओह माय गॉड, वाओ। इसलिए मम्मी कभी झोली, मेरे को झोली और भटकी चुटकानी दोनों अच्छे लगते हैं, इसलिए मम्मी बना लेती है। झोली मतलब जो जिनको पता नहीं है, झोली कड़ी। और मेरे जहाज के दोस्त भी मेरा ब्लॉग देखते हैं तो हमारे जहाज में भी कड़ी बनती है सैटरडे के दिन, वो इतनी अच्छी नहीं होती है जितनी मम्मी बनाती है। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? ये फालतू बातें क्यों बता रहे हो मुझे? तो आज मम्मी वही बना रही है, कड़ी तो नहीं बना रही है, भटकी चुरकानी बना रही है। और अभी क्या काट रही है? लाई काट रही है मम्मी, पालक है। चलो लाई पालक हरी सब्जी है भाई। तो आज दीदी बता रही थी कुश्ती होने वाली है करके, तो हम जाएंगे कुश्ती देखने नुमाइश खेत में आज दंगल होने वाला है, तो आपको दिखाया जाएगा दंगल का सीन। तो अब मैं हो चुका हूँ रेडी और जाता हूँ कुश्ती देखने। और आज बंटी स्कूटी लेके आ रहे हैं। मैं नहीं मानता, कल उसको टोंट मारा था ना, इसलिए आज लेके आ रहे हैं वो स्कूटी। तो मैं भी निकलता हूँ, आपको दिखाते हैं कुश्ती का सीन, क्या सीन चल रहा है। होप कि वो चल रही हो अभी भी, कोई बोल रहा था 2 या 2:30 बजे तक है, तो अब देखते हैं क्या सीन है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितनी भीड़ लगी हुई है, और यहाँ पे कुश्ती स्टार्ट हो चुकी है दंगल, और वहाँ पे कहीं से भी जगह नहीं मिल रही है भाई लोगों, इसलिए इतने दूर से बना रहा हूँ ये क्लिप। तो कोई तो जीत गया उधर पे, हमको खुद ही नहीं दिखाई दे रहा है कौन जीता। और आज बहुत ज़्यादा भीड़ है कुश्ती की वजह से, आप चारों तरफ देख सकते हैं।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कुश्ती स्टार्ट हो चुकी है, किसी ने तो पटक दिया उधर पे दूसरे बंदे को, बाहर ही फेंक गया यार। ये देखिए कोई भी पहलवान भाव भाव नहीं करेगा भाई, उंगली पंजा कोई गुलाबा नहीं छोड़ेगा। और कुश्ती के बाद वो भी चैलेंज की कुश्ती हो गई, जिस पहलवान ने पूरे संगत पर चैलेंज किया उस पहलवान का सर में भी दंगल स्टार्ट हो चुका है भाई लोग। गलत काम ना करे कोई पहलवान, बस कुश्ती शुरुआत में बाल 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 छोड़ दिए। आप देख सकते हैं भाई भागते हुए। तो दोस्तों मैंने अभी आपको दिखाया था कुश्ती दंगल, बागेश्वर दंगल। अभी हम जा रहे हैं हेलीकॉप्टर में बैठने, बंटी बैठ रहे हैं, मतलब मैं तो नहीं बैठ रहा, ये बैठ रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं कॉलेज की तरफ बंटी को हेलीकॉप्टर में बैठाने। आज बंटी भी हेलीकॉप्टर की यात्रा करेगा और आप सबके लिए गुड न्यूज़ है गाइस, अभी हेलीकॉप्टर का ऐसा सीन हो रहा है, न्यूज़ आई है कि 1500 के टिकट हो गया, तो लेट्स सी क्या होता है। ये नया वो खुला, क्या खुला है ये रेस्टोरेंट, ये स्क्वायर वन बाइट का, चार तो चलना फिर हमको थोड़ी खाने हैं, बता रहा हूँ मुझे पता होना चाहिए ना, तो देखते हैं। यहाँ पे तहसील रोड में बहुत सारे ब्रेकर्स हैं, तो गाड़ी संभाल के चलाना दोस्तों जब यहाँ आओगे तो गाइस एक पोपट हो गया। यहाँ पे हम आए थे बंटी को हेलीकॉप्टर में बैठाने, लेकिन यहाँ आके पता चला कि हेलीकॉप्टर की अब सेवाएं बंद हो चुकी है, तो अब से हेलीकॉप्टर नहीं चलेगा। यही नहीं, अभी और सुनिए, जो था आज सुबह तक था और बहुत सारे लोगों की टिकट वापस भी हो गई है, और जैसे हम पहुँचे तो वो लोग बोलते हैं कि अभी तो बंद हो गया है और अब हेलीकॉप्टर नहीं चलेगा बागेश्वर में, मतलब जो ये वाला चल रहा था ना अब नहीं चलेगा, तो इसका पूरा मूड ख़राब हो गया, आप इसको देख सकते हो। तो इसका मूड सही करने के लिए अब जाते हैं, उठाते हैं खाना खाने के स्नैक्स खाने, तो कोई कैफ़े में जा रहे हैं हम लोग, देखते हैं। तो हम आ गए कैफ़े में, को कैफ़े ओटू। तो गाइस हमारा आ चुका है बर्गर और चिकन नगेट्स, ये अपना ब्लैक करंट और ये तो मोहितो है, तो इसका मूड ख़राब हुआ था तो आज यही पार्टी दे रहे हैं, क्योंकि इसके घर वालों ने रुपए दिए थे इसको हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए और हम बैठे नहीं तो हम उसका यूज़ यहाँ पे कर रहे हैं। आज भाई की तरफ से पार्टी है। और अंकल आंटी जो आप देख रहे हो व्लॉग तो परेशान मत होना, मेरे घर वाले भी देखते हैं व्लॉग को। अभी हम पहुँच चुके हैं गाइस इधर चंडिका मंदिर, तो आपको इधर से पीछे मेला दिख सकता है नीचे पे, और ठंड भी बहुत हो रही है आज। बंटी और मैंने सेम, मैंने तो जैकेट पहनी है, बंटी ने हुडी पहनी है वाइट, और आप देख सकते हैं पीछे मेला नीचे पे, झूले वगैरह देख सकते हैं, और बंटी अभी केस करने वाला है हेलीकॉप्टर वालों में। बंटी
आज तो झूले ये मैं हेलीकॉप्टर में बैठ नहीं पाया, अब क्या करेगा तू? अब जब नेक्स्ट टाइम आएगा तब बैठूंगा, अभी तो मन कर रहा है कि केस एस कर दो इन पे, मार गुस्सा आ रहा है बहुत, लेकिन क्या करूं। बस तू तो यहाँ से गिरना मत यार, सुसाइड मत करना। छोटा मोटा ये तो छोटा मोटी बात है, इतना तो चलता रहता है। तो गाइस आज बड़ा बहुत गंदा पोपट कट गया था, क्योंकि हम लोग गए थे बहुत खुशी से यहाँ पे, मायूस हो गए लौट गया बंटी।